डमरू वाले, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, शिव शंकर महादेव त्रिलोचन कोई कहे त्रिपुरारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शिव हो करके तुमने ही तो इस जग का कल्याण किया, अमृत के बदले में तुमने खुद ही तो विषपान किया। दूज का चंद बिठाया माथे गंगा की चटाओं में, पर्वत राज की पुत्री के संग बिचरे सदा गुफाओं में। सचमुच हो कैलाश पति नहीं कोई चार दीवारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। तेरे ही परिवार की उपमा गुणजन ऐसे गाते हैं, सिंह बैल पशु होकर हमको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। जहरीले सब सांप और बिच्छू अंग अंग लिपटाए हैं, जैसे अपने शत्रु भी सब तुमने गले लगाए हैं। मोर सांप पे बस हो देखे चूहे की सरदारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। ना कोई पदवी का लालच मान और अपमान भी क्या, सुख दुख दोनों सदा बराबर, घर भी क्या शमशान भी क्या। खप्पर डमरू सिंगी नाद त्रिशूल ये तेरे भूषण हैं, उनको तुमने गले लगाया जो इस जग के भूषण हैं। तुझको नाथ त्रिलोकी पूजे कह कर के त्रिपुरारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोलेनाथ भोले भंडारी। कैलाशपति शिव शंभो, ऐसे ही अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले भगवान शंकर एक बार भगवती पार्वती जी सहित कैलाश पर विराजमान थे। वहीं पर एक घटना घटी, उसकी शिक्षाओं से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। लीजिए घटना सुनिए। अजर अमर हैं पार्वती शिव और कैलाश पर रहते हैं, आओ उनके जीवन का हम सुंदर किस्सा कहते हैं। बैठे बैठे उमा ने एक दिन मन में निश्चय ठान लिया, शिव जी की आज्ञा लेकर लक्ष्मी के घर प्रस्थान किया। शंकर ने चाहा भी रोकना किंतु मन में आया है, प्रभु इच्छा बिन हिले न पत्ता ये उन्हीं की माया है। मन ही है बेकार में जो संकल्प विकल्प बनाता है, जिधर चाहता है मन उधर ये प्राणी दौड़ के जाता है। मन सबको भटकाए जग में क्या नर और क्या नारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। पार्व
पति चल पड़ी वहां से मन में हर्ष हुआ भारी। लक्ष्मी के महलों में मेरा स्वागत होगा सुखकारी। अक्षमात मिलते ही सूचना मुझे सामने पाएंगी। अपने आसन से उठ मुझको दौड़ के गले लगाएंगी। हाथ पकड़कर बरजोरी मुझे आसन पर बिठलाएंगी। धूप दीप नई वेद से फिर मेरा सम्मान बढ़ाएंगी। पर जो सोचा पार्वती ने हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। लक्ष्मी ने घर आई उमा को पानी तक भी ना पूछा। उल्टा अपना राजभवन उसको दिखलाती फिरती थी। नौकर चाकर धन भैवव पर वो इठलाती फिरती थी। अगर मिली भी रूखे मन से वो अभिमान की मारी। डमरू वाले हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी जय जय भोले भंडारी। पार्वती से बोली वो जिसको त्रिपुरारी कहते हैं। कहाँ है तेरा पति देव सब जिसे भिखारी कहते हैं। चिमटा और त्रिशूल फावड़ी फटी हुई मृगशाला है। ऐसी ही जायदाद को लेकर कहाँ पे डेरा डाला है। पार्वती ने सुना तो उसकी क्रोध ज्वाला भड़क उठी। होंठ धधकते थे दोनों और बीच में जेहवा फड़क उठी। बोली वो कि तुमने चाहे मेरा ना सम्मान किया। बिन ही कारण मेरे पति का तुमने है अपमान किया। उन्हें भिखारी कहते हुए कुछ तुमको आती लाज नहीं। सच ये है कि तेरे पति को भीख बिना कोई काज नहीं। वही भिखारी बन के राजा शिव के यहाँ गया होगा। या फिर बावन बन के राजा बलि के वहाँ गया होगा। जहाँ भी देखा उसने वहीं पर अपनी झोली टांगी थी। ऋषिदधी जिसे हड्डियों तक की उसने भिक्षा मांगी थी। शंकर को तो जग वाले कहते हैं भोले भंडारी। डमरू वाले हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी जय जय भोले भंडारी। पार्वती ने लक्ष्मी को यूं जली और कटी सुनाई थी। फिर भी बोझल मन से वो कैलाश लौट कर आई थी। अंतर्यामी ने पूछा तू चेहरा आज उदास हुआ। सब बतलाया लक्ष्मी के घर जैसे था उपहास हुआ। बोली आज से अंजल को बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी। भूखी प्यासी रह करके मैं अपने प्राण गंवाऊंगी। मेरा जीवन चाहते हैं फिर मेरा कहना भी कीजिए। जैसे मैं चाहती हूँ वैसे महल मुझे बनवा दीजिए। महल बनेंगे गृह प्रवेश पर लक्ष्मी को बुलवाना है। मेरी अंतिम इच्छा है उसको नीचा दिखलाना है। उससे बदला लूंगी मैं देखेगी दुनिया सारी। डमरू वाले हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी जय जय भोले भंडारी।
शंकर बोले पार्वती से मन पर बोझ न लाओ तुम, भूल जाओ सब कड़वी बातें और मन शांत बनाओ तुम। मान और अपमान है क्या बस यूं ही समझा जाता है, दुखी वही होता है जो ऊंचे से नीचे आता है। उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन बिठाएगा। इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा बिछाया है, मान और अपमान से हटकर आनंद खूब उठाया है। मेरी मानो गुस्सा छोड़ो, इसमें है सुख भारी। डमरू वाले डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। पार्वती ने जिद ना छोड़ी, रोना धोना शुरू किया। शंकर ने विश्वकर्मा को तब भेज संदेशा बुला लिया। विश्वकर्मा से शंभु बोले तुम इसका कष्ट मिटा दीजिए, जैसा भवन उमा चाहती है वैसा इसे बना दीजिए। पार्वती खुश होकर तब विश्वकर्मा को समझाने लगी, जो कुछ मन में सोच रखा था सब उनको बतलाने लगी। बोली बीच समुंदर में एक नगर बसाना चाहती हूँ, चार हूँ जिसके दरवाजे वो किला बनाना चाहती हूँ। गर्म और ठंडे ताल तलैया, सुंदर बाग बगीचे हूँ, साफ सुहानी सड़के हूँ और पक्के गली दरीचे हूँ। मेरे रंग महल की तुम छत में भी सोना लगवा दो, सोने के हो दर दरवाजे बीच में हीरे जड़वा दो। झिलमिल फर्शों में हो रंग बिरंगी मीनाकारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। सोने की दीवार फर्श और आंगन भी हो सोने के, मंच पलंग के साथ साथ सब बर्तन भी हो सोने के। मतलब ये कि आज तलक ना बना किसी का घर होवे, उसको जब लक्ष्मी देखे झुक गया उसी का सर होवे। विश्वकर्मा ने अपने अनुचर ब्रह्मलोक से बुलवाए, भवन कला का सब सामान वो साथ साथ ही ले आए। आदिकाल से विश्वकर्मा एक ऐसे भवन निर्माता थे, चित्र मूर्ति भवन वास्तु सभी कला के ज्ञाता थे। आंखें मूंद के अपने मन में जो संकल्प उठाते थे, आंखें खोल के देखते थे बस वहीं भवन बन जाते थे। ऐसा ही एक चमत्कार विश्वकर्मा ने दिखलाया था, बीच समुंदर उन्होंने एक अनूठा भवन बनाया था। आट बाट और घर मकान सब उसके थे मनोहारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। मन में पार्वती ने जो सोचा था उससे बढ़कर था, मतलब ये कि लक्ष्मी के महलों से लगता सुंदर था। उमा बोली अब चलिए प्रभु, उसमें एक यज्ञ रचाना है, सब देवों के साथ साथ लक्ष्मी को भी बुलवाना है। दोनों आए नगर में आज तो उमा को हर्ष अपार हुआ, स्वर्ण महल दिखलाकर बोली मेरा सपन साकार हुआ।
बोली किसका गृह प्रवेश भी करना है त्रिपुरारी डमरू वाले। हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शंकर सोचे खेल प्रभु का नहीं समझ में आता है, जो जितना खुश होता है उतने ही आंसू बहाता है। फिर भी उन्होंने पार्वती का बिल्कुल दिल नहीं तोड़ा था, जो कुछ वो कहती जाती थी हाँ में हाँ ही जोड़ा था। तैतीस कोटि देवताओं को निमंत्रण भिजवाया था, विश्रवा पंडित जी को पूजा के लिए बुलाया था। विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा इंद्र सभी देवता आए थे, बीस समुंदर स्वर्ण महल को देख सभी हर्षाए थे। हाथ पकड़ कर लक्ष्मी का तब पार्वती ले जाती है, सोने की ईंटों से बना वो महल उसे दिखलाती है और कहती है देख रही हो चमत्कार त्रिपुरारी का, भिक्षु तुमने कहा जिसे ये महल है उसी भिखारी का। देखने आई है देखो देखो ये दुनिया सारी डमरू वाले। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। रोशनदान खिड़की दरवाजे फर्श तलक है सोने का, तेरा महल अब नहीं बराबर मेरे महल के कोने का। शंकर बोले पार्वती मन में अज्ञान नहीं भरते, समझ सूझ वाले व्यक्ति झूठा अभिमान नहीं करते। इतने में पूजा का मंडप सज धज के तैयार हुआ, शंकर उमा ने हवन किया और नभ में जय जयकार हुआ। ऋषि विशर्वा विधि विधान से मंत्र पढ़ते जाते थे, बारीकी से पूजन की एक एक क्रिया समझाते थे। पूर्ण आहुति पड़ी तो सब देवों ने फूल बरसाए थे, साधु ब्राह्मण देवता फिर भोजन के लिए बिठाए थे। फिर सबको दे दे के दक्षिणा सबका ही सम्मान किया, खुशी खुशी सब देवताओं ने मांगी विदा प्रस्थान किया। जय जय से नब गूंज उठा सब हर्षित थे नर नारी डमरू वाले। हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। अंत में शिवजी ने आचार्य को अपने पास बुलाया था, ऋषि विशर्वा ने आकर तब चरणों में शीश झुकाया था। शंकर बोले आपके आने से हम सचमुच धन्य हुए, मांगो जो भी मांगना चाहो हम हैं बहुत प्रसन्न हुए। पंडित बोला क्या सचमुच ही मेरी झोली भर देगे, अभी अभी जो कहा आपने वचन वो पूरा कर देंगे। शंकर बोले हाँ हाँ तेरे मन में कोई शंका है, मेरा वचन सत होता है ये तीन लोक में डंका है। तूने हमें प्रसन्न किया और अब है तेरी वारी डमरू वाले। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। नवा कर बोला वो प्रभु अपना वचन सत कर दीजिए, हे भोले भंडारी जो मैं मांगूंगा वो भर दीजिए। सिंधु बीजिए सोने का जो आपने भवन बनाया है, यही मुझे दे दीजिए मेरा मन इस ही पे आया है।
जिसने भी ये शब्द सुने सुन करके बड़ा आघात हुआ। उमा के मन पर तो सचमुच जैसे था वज्रपात हुआ। बोली उमा ऐ ब्राह्मण तुमने सोई कला जगाई है, मेरी अरुमानों की बस्ती में एक आग लगाई है। मेरा है ये श्राप के आखिर एक दिन वो भी आएगा, हरी भरी तेरी दुनिया का नाम तलक मिट जाएगा। ऐसे काल को चक्कर में ये बस्ती भी खो जाएगी, उस दिन तेरी सोने की नगरी ये राख हो जाएगी। तेरा दिया बुझेगा एक दिन होगी रात अंधियारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। सुना आपने जगवालो भयंकर जो उमा का साप था, वो पंडित और नहीं था कोई, रावण का ही बाप था वो। 20 समुंदर बसी हुई वो सोने ही की लंका थी, जो कुछ कहा उमा ने वो सच होने में क्या शंका थी। पार्वती के साप ने फिर एक दिन वो रंग दिखाया था, पवन पुत्र ने सोने की लंका को राख बनाया था। राम और रावण के बीच में भड़क उठी थी रणज्वाला, रहा न उसकी कुल में कोई पानी तक देने वाला। सोमनाथ जो औरों को जितना भी दुख पहुंचाता है, ऐसे ही दुख सागर में वो डूब एक दिन जाता है। शंकर पार्वती की जय जय, सब बोलो नर नारी, डमरू वाले हे डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।